हाय गाइस, माय नेम इज अनुज जिंदल। वेलकम टू दिस सेशन ऑन डेवलपमेंट इश्यूज। तो हम लोग अबाउट 100 क्वेश्चंस पिकअप करने वाले हैं इन पूरी सीरीज में, एंड दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इसमें से कुछ नहीं तो 8-10 क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक करेंगे ही इन वन फॉर्म और दी अदर इन दी फाइनल एग्जामिनेशन। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द कोर्स एंड द डिटेल्स अबाउट द कोर्स, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट कीप आस्किंग इन द कॉमेंट सेक्शन। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ही ये चीज बता दें। इफ यू डोंट वांट टू लिसन अबाउट द डिटेल्स, यू कैन स्किप अ लिटिल बिट और क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट भी कर सकते। तो इफ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स और नो मोर अबाउट द कोर्स फॉर ESIC डिप्टी डायरेक्टर, यू कैन गो टू द वेबसाइट www.anujindal.in। ओके, यहाँ पर आप बाय कोर्सेज में जाओगे, उसमें आप ESIC डिप्टी डायरेक्टर का कोर्स देख सकते हैं, एंड यू कैन चूज दैट कोर्स। नाउ यू नीड एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, and the experience details are to be filled in before or at the time of application itself. Aaj hi morning mein maine apply karke dekha hai aur experience details pehle hi file karni hai. We had this idea that probably they will be asking about experience at the time of interview, but that is not so. Wo pehle hi aapse details mang rahe hain at the time of application itself. So make sure that you have the certificate, you have everything in hand before 2nd of September 2021, because that is the last date for filing your एप्लीकेशन। ज्यादा दिन नहीं बचे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कोर्स, अभी कोर्स 12,500 का है, बट देर इज अ 40% डिस्काउंट रनिंग बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन एंड वेरियस अदर फेस्टिवल्स विच आर कमिंग एंड विच हैव रिसेंटली पास्ड। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स एट अ वेरी गुड डिस्काउंट। आफ्टर द डिस्काउंट विल कॉस्ट अराउंड 7,500। ओके, कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? कोर्स में टोटल 2 पार्ट्स में एग्जाम होने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। पार्ट ए इज इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बहुत ही आसान होगा, एंड आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ मॉक्स, लॉट ऑफ वीडियोस थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि इंग्लिश आपको कैसे टैकल करना है। पार्ट बी हैज अ टोटल ऑफ 10 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ये मेजर चैलेंज होने वाला है बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, पबैट, डेवलपमेंट इश्यूज यहाँ पर आता है, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन यूनियन, करेंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में मैंशन है। आज हम लोग टुडे विल बी कवरिंग डेवलपमेंट इश्यूज। ओके, विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। अलग अलग सेशंस के थ्रू आई विल बी कवरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स। For example, human resource management has already started. Marketing is going to start very soon. Public administration is going to start very soon. So we will try and cover all these topics one by one through these kinds of videos, which has questions. Okay. Let's start with the first question. The question says, which of the following interventions cannot be called as low carbon pathways to make greener and sustainable cities in the future? Why is it important? Is because it has been given in sustainable development goals about low carbon pathways, aur usme inme se 4 mentioned hain, panchwa, the fifth one has been created by myself. Ab wo panchwa kaun sa hai, you have to figure that out. Okay, what are the options that we have here? The options are usage of solid waste management technologies, number 1, solid waste management technologies, using green urban mobility solutions, for example Tesla, okay, rooftop solar power systems for energy. India already has a target of 100 gigawatt by 2022. Using smart grids for better energy consumption, this has already started happening. Using natural cooling systems like indoor plants to reduce carbon consumption, that is the fifth. Now, out of these, 4 are already happening and you can see it, and they are major things that are required or major objectives that need to be achieved. Okay, however, the fifth one, which is actually the fifth one here, is a very minuscule part, small part or small way of reducing pollution or following a low carbon lifestyle, which is using indoor plants to reduce carbon consumption. Okay, that is why it is our answer. बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इफ यू आर थिंकिंग वेल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे एंड दे विल बी लाइक, आई हैव नेवर रेड दिस, आई डोंट नो अबाउट लो कार्बन पाथवेज, व्हाट डज इट इंक्लूड, व्हाट डज इट एक्सक्लूड, आई हैव नो आइडिया, सो आई कैन नॉट आंसर दिस। दैट इज वन अप्रोच।
द सेकेंड अप्रोच इज दैट यू बिलीव एंड टेल योर सेल्फ कि भाई मैं आंसर कर सकता हूँ इसको, इफ आई गो थ्रू इट लॉजिकली प्रॉब्ली आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज वॉट कैन बी फॉलो टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन दिस एग्जामिनेशन एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन. सब में ही सेम टेक्निक फॉलो होती है, कहीं ना कहीं लॉजिक अप्लाई होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन ई. आई फॉरगॉट टू टेल यू, प्लीज गेट अ पेन एंड पेपर. पेन एंड पेपर एक रखिए साथ में, कीप आंसरिंग द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली एंड एट द एंड ऑफ द सेशन कॉमेंट सेक्शन में डालो कि भाई मेरा स्कोर इतना रहा, सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई दूसरे स्टूडेंट्स कैसा स्कोर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन होगा आप लोगों का एक दूसरे से. एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक योर परफॉर्मेंस ओवर टाइम. अगर ये सेशन वीक में दो बार हो रहा है, दो बार HRN हो रहा है, दो बार मार्केटिंग हो रहा है, लेट्स से, सो एवरी डे यू कैन टेक अ स्मॉल टेस्ट इन 10-15 मिनट्स एंड देन सी फॉर योरसेल्फ वेदर यू आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट. दैट इज हाउ इट हेल्प्स. ओके, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉट इज द परमिसेबल लिमिट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Permissible limit for concentration of PM2.5 in a city, micrograms per cubic meter. That is why I have told you this. ये यहाँ पे students confused होते हैं कि UG per MQ क्या है. It is micrograms per cubic meter. Okay, this can also be asked in the examination. General science में पूछा जा सकता है. So you should be aware about it. Okay. Now, what is the permissible limit for concentration of PM2.5 in a city? That is the question that we have here. The answer to this question, यहाँ पे दो चीज़ हैं. PM2.5 आता है और PM10 आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो द परमिसेबल लिमिट फॉर PM2.5 इज ऑप्शन ई अगेन, 10 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. एंड इफ वी टॉक अबाउट PM10 देन द परमिसेबल लिमिट इज 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर. प्लीज रिमेंबर दिस, PM10 एंड PM2.5 दोनों की परमिसेबल लिमिट्स याद होनी चाहिए. यू शुड हैव दिस इन योर मेमोरी बिकॉज any of this can be asked in the examination. Okay, next question pe aate hain. Next question kya hai, I hope it is going on well. What is the target? So these majority of these questions are from renewable energy. To aapka yahan se kafi sare topics aapko nikal ke aa jayenge. Your objective is not to limit yourself to PM2.5. aapko ab samajh aa gaya ki bhai permissible limit for carbon jo bhi wo ho raha hai yahan par concentration ho raha hai different kinds of PM. तो उस सब के बारे में पढ़ना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, व्हाट इज द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू बी अचीव बाय 2022 सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. इसका आप हेड देख सकते हैं, कौन है सेक्रेटरी, कौन है वो देख सकते हैं. व्हेन वाज इट फॉर्म्ड दैट कैन बी, व्हेन वाज इट रीनेम्ड वो भी आप देख सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट था ये पहले. ओके, टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू बी अचीव बाई 2022 के कुछ टारगेट्स हैं. 2030 के वी हैव डिफरेंट टारगेट्स, सो यू कैन हैव अ लुक एट दोज एज वेल. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट आर द टारगेट्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बोलते हैं इसको, टू बी अचीव बाई 2022. ऑप्शन हैं 100, 150, 175, 200 and 250 गीगावाट्स, नॉट मेगावाट्स, MB नहीं है यहाँ पे, गीगावाट्स. ओके, please remember this as well, they might confuse you here. The answer to this question is 2022 के target जो हैं वो हमारे हैं 175 gigawatt. अब इसका 175 gigawatt का distribution क्या है वो एक बार देख लेते हैं. What is the distribution of this 175 gigawatt? The government of India has set a target of installing I think दो बार लिखा है, 175 gigawatt of renewable energy capacity by the year 2022, which includes 100 gigawatt from solar. अब ये 175 gigawatt में से आपको याद रखना है, you have to remember this, 100 gigawatt is from solar, okay? 60 gigawatt is to be installed from wind, okay? 10 gigawatt is to be installed from biopower and 5 gigawatt from hydropower. ये बहुत important है, this is where another question lies or a more difficult question lies. तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट अबाउट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंडिया हैज मेड अ टारगेट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इंडिया हैज मेड अ टारगेट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द ईयर व्हाट. मतलब इंडिया ने टारगेट बनाया है दैट वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, वी आर गोइंग टू हैव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. इंडिया हैज मेड अ टारगेट and given it to sustainable development goals
बॉडी इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी हैं कि भाई हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करेंगे और इसका टारगेट है ईयर के फॉर्मेट में ये. व्हाट आर दी ऑप्शंस? दी ऑप्शंस दैट वी हैव आर 2025, 2024, 2022, 2030 एंड 2020. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? मार्क इट इन योर पेपर, पेन से लिख लीजिए एंड देन आई टेल यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2030. 2030 तक टारगेट है कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या है? इफ यू आर नॉट अवेयर, गूगल इट. ये आपका एक होमवर्क टाइप हो गया. गूगल इट, स्पेंड अबाउट 10 मिनट्स कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता क्या है, व्हाट डज इट मीन. देयर कैन बी एन एसे ऑन दिस, देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऑल्सो, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ विच इज अ डेवलपमेंट इशू. तो हम अगर जब व्हेन वी पिक अप डेवलपमेंट इश्यूज सेक्टर बाय सेक्टर, लेट्स से हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेल्थ इज वन ऑफ देम. सो देयर अगेन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से स्कीम्स भी निकल के आती हैं, आयुष्मान भारत, ओके, एंड अदर काइंड ऑफ स्कीम ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The World Development Report 2017, this is important. अभी ये first session में I remember मैंने आपसे discuss किया था SDG 16 which was on governance, right? And I told you that the word good governance was not mentioned, right? Good governance word was not mentioned in SDG 16. और मैंने आपको I had shown you SDG 16 as well at the same time. But actual उसकी wordings क्या थी ये पूछ लिया है यहाँ पर. देखो उल्टा हो गया question. There, they did not mention the actual wordings, but they asked you which of the SDGs is connected with good governance. Here they have flipped the question. Here we are saying it is titled governance and the law, but what does it aim for? Uska aim kya hai? Okay, I had discussed this with you in detail also. Agar nahi dekha hai to wo wali video jaake dekho. I had discussed 5 very good questions in that video, in that session as well. Okay. The options are peace, justice and strong institutions, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, responsible consumption and production. Now, it's very very easy because yahan pe saaf saaf dikh raha hai, if you have good common sense, you can figure out good governance is connected with justice, good governance is connected with institutions. So that is what the answer can be. Economic growth, good governance ka byproduct ho gaya. या फिर वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ कैन रिजल्ट इन बेटर गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, बट दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली. ओके, वन इज एन आंसर टू द अदर. एक बार दिखा देते हैं, आई थिंक आई स्टिल हैव दैट. यस, हियर इट इज. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 सेज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. सो ट्राई एंड यूज योर कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स, दीज गोल्स. डू नॉट जस्ट रेक्टिफाई देम. ऐसा नहीं है कि खाली हमने रट के हम चले गए वहाँ पे और फिर कंफ्यूज हो गए एग्जाम में. डोंट डू दैट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस वाज द एंटायर सेशन ऑन डेवलपमेंट इश्यूज. आई होप इट वाज यूजफुल. सेशंस को छोटा रखा गया है सो दैट यू फाइंड इट इजियर टू कवर दीज सेशंस. ज़्यादा हेक्टिक ना लगे, ज़्यादा लंबे हों तो ऐसा ना लगे कि यार बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है. आफ्टर 15 मिनट्स आई एम गेटिंग ज़ोन्ड आउट. ऑल दोज थिंग्स डोंट हैपन. I'm going to discuss more than 100 good quality, 100 more or more important questions in the coming days. So, ye sare questions ki ek list banate hue chale jao. You can just pause your video and write down these questions either on your laptop or on your notebook. Aur kaafi help karenge aapko ye questions. Focus on the topics. Don't just focus on the questions. Kabhi bhi kuch bhi pad rahe ho, topic pe focus karna hai when you're preparing for government exams. क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है, हमेशा टॉपिक पे फोकस करना है. एट द सेम टाइम यू नेवर फोकस ऑन अ बुक कि भाई ये बुक मुझे कंप्लीट करके जाना है. यू ऑलवेज फोकस ऑन टॉपिक्स. इस बुक में से, फ्रॉम दिस बुक, विच ऑल टॉपिक्स डू आई नीड टू कवर, दैट शुड ऑलवेज बी द फोकल पॉइंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. आई होप द सेशन वॉज गुड. इफ यू फाइंड इट यूजफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, एंड आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ कि आपका स्कोर कितना है. और स्टूडेंट्स भी बताएंगे, साइकिल क्रिएट होगा. You will be able to compare your performance with the other students. All the best guys, take care, bye bye.